शुक्रिया। हमारे साथ हमारे दो गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ हम करवा देते हैं। हमारे साथ हैं सैयदा नरजिस फातमा नकवी, जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। फिर हमारे साथ हैं जवेरिया फातमा, जो कि एक बहुत खूबसूरत नातखा हैं। जैसे कि आज का दिन है और हम जो दिन के हवाले से काफ़ी सारी हम बात भी करना चाहते हैं आपसे लें, और मैं चाहूँगी कि नरजिस आप हमें उनके फ़ज़ाइल के हवाले से बताएं, उस दिन के हवाले से बताएं, वो कैफियत, वो लम्हा, वो वक्त, वो सब क्या था। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा लान क़त्लतल अमीरुल मोमिनीन। सबसे पहले तो मैं अपने रब के हुजूर, तमाम अहले बैत अथारा इमाम मासूमीन के हुजूर, खुसूसन अपने वक्त के इमाम के हुजूर और तमाम अहले इस्लाम को मौला अमीरुल मोमिनीन, मौला मुत्तकीन अली इब्न अबी तालिब की शहादत की ताज़ियत पेश करती हूँ। और ये वो अजीम हस्ती, ये वो अजीम ज़ात जिनका जिक्र करने आज हम जमा हुए हैं, ये परवरदिगार की तौफीक है। उसका जितना शुक्र अदा किया जाए कम है कि उसने आज हमें इस काबिल समझा और ये तौफीक दी कि हम उसके उस अजीम रहनुमा का जिक्र करने जमा हुए हैं। और मेरी और आपकी क्या औकात कि हम उनके फ़ज़ाइल और उनके किरदार और उनकी शख्सियत का अहाता कर सकें। बेशक, क्योंकि वो तो वो अजीम हस्ती है कि जिसके फ़ज़ाइल, जिसका मकाम और मंजिलत ख़ुद परवरदिगार आलम बयान कर रहा है। वो अजीम हस्ती है कि जिसके कसीदे ख़ुद कुरान पढ़ रहा है। वो अजीम हस्ती है कि जिनकी बात खुद रसूल खुदा बार बार कर रहे हैं, जिनके फ़ज़ाइल रसूल बयान कर रहे हैं, जिनके लिए रसूल फरमा रहे हैं अली माल कुरान वल कुरान माल अली। अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है, हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। और एक मौके पर आपने फरमाया कि कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है, तो यानी कुल्ले ईमान भी अली है, कुल्ले कुरान भी अली है, कुल्ले हक भी अली है। तो ये मेरा मौला है, वो अली इब्ने अबी तालिब जो बाबे रहमत हैं, जो बाबे निजात हैं, जो बाबे इल्म हैं, जो बाबे हिकमत हैं, जो बाबे ईमान हैं, जो बाबे तकवा इलाही हैं, जो बाबे रज़ाए इलाही हैं। तो वो अजीम मौला कि जिसकी शान क्या बयान करें, ये वक्त और ये ज़िंदगी कम है कि जो परवरदिगार आलम ने आपको मकाम और मंजिलत फरमाई है कि जिनके लिए रसूल कह रहे हैं कि अगर तमाम के तमाम समंदरों का पानी स्याही में तब्दील हो जाए, तमाम दरख्तों को कलमों में तब्दील कर दिया जाए और ज़मीन से लेकर आसमान तक के खला में मेरे भाई अली के फ़ज़ाइल लिखे जाएँ, तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा मगर अली के फ़ज़ाइल ख़त्म नहीं हो। सुभान अल्लाह। और अली का जिक्र इबादत है। किसी ने पूछा मौला कि अली, रसूल अल्लाह ने कहा कि अली के चेहरे को देखना इबादत है, तो कहा मौला बाद वालों के लिए कहा अली का जिक्र इबादत है, अली की मोहब्बत इबादत है। तो बस मालूम हुआ कि जिक्र अली जिक्र ईमान है, जिक्र अली जिक्र कुरान है, जिक्र अली जिक्र रसूल है, जिक्र अली जिक्र हक है, जिक्र अली जिक्र निजात है, जिक्र अली जिक्र ईमान है, जिक्र अली जिक्र अदल है। लिहाजा अली अली करो, क्योंकि यही वो सिरात मुस्तकीम है, जो ज़रिया मार्फत तौहीद है, जो ज़रिया मार्फत रिसालत है। तो मौला की ज़ात को अगर हम देखें तो यकीनन ये वक्त तो वो नहीं है कि हम पूरी मुकम्मल मौला की ज़ात को देख सकें। अगर आप, क्योंकि जितने भी हमारे अगर सिलसिले में भी आप देखते हैं, जो भी सिलसिले हैं वो सब जाके मौला से ही मिलते हैं। जितने भी सिलसिले तरीक़त के हैं सब मौला से ही मिलते हैं। और अली के चेहरे को देखना भी इबादत है, अली का जिक्र करना ये इबादत है यकीनन। जिस दिन सुबह नमूदार हुई है और मौला अली अलैहिस्सलाम अपने सहन में तशरीफ़ लेके गए हैं, वहाँ से अगर आप वो पूरा जो 19 रमज़ान की सुबह है और उसके बाद वो मुर्गाबियाँ जो कि उन्होंने पाली भी थी और वसीयत उसी दिन से, क्योंकि आज बादशाह से मुलाकात का दिन है, तो पहले से आप जानते थे। फिर वो जब मस्जिद कूफा में जब वो गए हैं तो इब्ने मुलजिम जो है वो उल्टा लेटा हुआ था, तो उसने कहा कि ये शैतान का तरीक़ा है इस तरह लेटना, और मैं जानता हूँ कि तुम किस नीयत से आए हो और मैं जानता हूँ, लेकिन तुम ये जो तरीक़ा है जिस तरह तुम लेटे हुए हो ये मस्जिद में शैतान का तरीक़ा है। तो वो थोड़ा सा वो भी बयान कीजिए हमारे नाज़रीन के लिए। मौला की ज़ात, मौला की शख्सियत जो है वो अदल व इंसाफ पर मेरे मौला ने, मतलब आप देखें कि मौला की ज़िंदगी का हर पहलू
हर आप हर तरफ निगाह डालें तो आपको हिदायत मिलेगी, आपको एक मैसेज मिलेगा। और आप 19 की शब की जो बात कर रहे हैं उसमें देखिए कि जैसे ही मौला जब वो रात होती है तो बेचैनी की कैफियत है और यही कह रहे हैं बार बार आसमान को देख के कि ये वही रात है जिसका मुझसे मेरे रसूल ने वादा किया फरमाया है। और आप रात भर बेचैन रहते हैं, जैसे ही नमाज का वक्त होता है आप मस्जिद में तशरीफ ले जाते हैं, लेकिन जब जा रहे होते हैं आप बीबी उम्मे कुलसूम के घर पर होते हैं, रोज़ा इफ्तार करते हैं और यहाँ से मौला का देखिए, वो मौला जो कायनात का मौला है, जिसके कब्ज़ा कुदरत में तमाम कायनात है, मगर जब खान पे बेटी के बैठे हैं और देखा कि बेटी ने एक दूध का प्याला रखा है, एक नमक का प्याला रखा है और एक रोटी रखी है, तो कहते हैं कि बेटा उम्मे कुलसूम, तुमने कभी बाबा को एक वक्त में दस्तरखान पे एक से ज़्यादा नेमत से खाते हुए देखा है? अल्लाह अकबर। कहते हैं बेटा इनमें से एक चीज़ हटा लो। तो मेरी बीबी चाहती हैं कि नमक हटा लें और बाबा दूध से रोटी खा लें, तो कहते हैं बेटा ये दूध का प्याला हटा लो, ना जाने कूफे में कितने यतीम बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने दूध नहीं पिया होगा। ये मेरे मौला का मकाम देखिए आप, और वो नमक से रोटी खाते हैं और उसके बाद फिर इबादत में मशगूल हो जाते हैं। जब सहन में तशरीफ़ लाते हैं तो जो मुर्गाबियाँ आपने पाली हुई थी वो मुर्गाबियाँ आपका रास्ता रोकती हैं, अपनी ज़बान में नाहा और गिरिया करती हैं कि मौला आज ना जाइए। तो मौला कहते हैं बीबी उम्मे कुलसूम से, बीबी कहती हैं कि क्या कह रही है? कहा बेटा ये तुम्हारे बाबा पर नाहा पड़ रही हैं, ये गिरिया कर रही हैं, बेटा तुम्हें वसीयत करता हूँ कि अगर इनके खाने और पानी का ख्याल रख सको तो इनको अपने पास रखना, वरना इनको आज़ाद कर देना। तो अली तो वो है जो अपने सोए हुए कातिल को जगाता है। मेरे मौला का अदल इंसाफ देखिए कि अपने कातिल के साथ भी अदल से काम ले रहे हैं, उसको शरबत का प्याला दे रहे हैं, बच्चों से कह रहे हैं बेटा एक ज़रबत लगाई है तो एक ही ज़रबत लगाना, और अगर मैं ठीक हो जाऊं तो फिर ये मेरा हक है कि मैं इसको आज़ाद करूँ। मैं आपसे ये मालूम करना चाहता हूँ कि आपका जो आज की ज़िंदगी में हम अगर हम जो इल्मी सफ़र है और जो मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है, तो ये तो हम मालूम करना ही चाहेंगे, लेकिन घर में बीबी फ़ातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के साथ वो जो एक रिश्ता है, और आज के हम जो एक ख़ानदान होता है वो अपने घर में क्या सीख सकता है आपकी सीरत से, मैं इसके ऊपर भी चाहता हूँ कि आप रोशनी डालें ज़रूर। बिल्कुल, ये ख़ानदान रिसालत जो है हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना अमल है। हम इनके हर पहलू से, इनकी ज़िंदगी के किरदार से, इनके अखलाक से, इनकी गुफ्तार से, इनके इल्म से, इनके मकाम और मंजिलत से, एक एक चीज़ से अगर हम देखना चाहें तो हम अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन कर सकते हैं। और यही वजह है कि आप देखें कि मौला की ज़िंदगी, मौला की शख्सियत और बीबी फ़ातिमा ज़हरा की ज़िंदगी, आपकी शख्सियत, आपको सारी दुनिया जानती है, कायनात आपके कब्ज़ा कुदरत में है, लेकिन जब मौला कायनात जंग पर से वापस आते थे तो बीबी फ़ातिमा आपकी तलवार पर से खून साफ कर रही होती थी। और जब मौला कभी मतलब बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि आप देखिए कि कायनात का मौला है, ठोकरों तले पूरी दुनिया है, लेकिन घर में फाके हैं, बच्चे रोज़े रख रहे हैं, अगर दरवाजे पे कोई साइल आता है तो वो खाली हाथ नहीं जाता, जो भी दस्तरखान पे है उसे दे दिया जाता है। एक मरतबा ऐसे ही मौला घर में तशरीफ़ लाए और बीबी से कहा कि कुछ खाने को है, तो बीबी ने कहा कि मौला दो दिन से कुछ खाने को नहीं है, तो मौला कहते हैं कि फ़ातिमा आपने मुझे बताया नहीं, तो बीबी कहती हैं कि मौला मैं शर्मिंदा होती हूँ कि आपसे कोई ऐसा सवाल करूँ जो आपके इख्तियार में ना हो। ये जुमले देखिए मेरी बीबी के कि जब जैसे हम मौला की जिक्र करते हैं फतुहात का, और जब हम खैबर की बात करते हैं कि खैबर में मेरे मौला ने फतह हासिल की, तो जब माल गनीमत तकसीम होता था ना तो सबके हिस्से में आता था और जो फातह होता था उसके ज़्यादा हिस्से में आता था। तो जब आप के घर में जब मदीने में फातह खैबर के बाद काफ़ी खुशियाँ मनाई गई, हर घर में खाने तकसीम किए गए, लिबास दिए गए, हर बच्चे ने लिबास पहना, अब बच्चे बाहर खड़े हैं, इमाम हसन इमाम हुसैन छोटे हैं उस वक्त, वो भी बाहर खड़े हुए हैं बच्चों के साथ, तो कहते हैं कि तुम्हें आज नए लिबास नहीं लेके दिए? तो इमाम हसन और इमाम हुसैन का देखिए ये बच्चे हैं, उनकी तरबियत देखिए कि किस ख़ानदान और किस घराने से ताल्लुक़ है। कहते हैं कि अली हैं जिन्होंने खैबर फतह किया है, और आज उस खुशी के सदक़े में हर घर में खाने पक रहे हैं, हमें नए लिबास दिए गए हैं, क्या तुम्हें नहीं दिए गए? तो मेरे मौला ने ये नहीं कहा कि वो अली हमारे बाबा हैं, हम जैसा आम इंसान हो हम जताने में, एहसान जताने में वक्त नहीं लगाते, उन्होंने कुछ नहीं कहा, खामोशी से घर में आए माँ के पास। अब बीबी फ़ातिमा इबादत में मशगूल हैं, माँ के पास बैठते हैं और कहते हैं कि वालदा सब घर में खाने पक रहे हैं, सब बच्चों ने नए लिबास पहने हैं, हमारे बाबा ने खैबर फतह किया है, लेकिन क्या बात है, ना हमने नए लिबास पहने हैं ना हमारे घर में खाने पक रहे हैं। तो बीबी कहती हैं बेटा तुम्हारे अभी बाबा आते होंगे तो यकीनन वो तुम्हारे लिए भी कुछ ना कुछ लाएंगे।
अब जब जैसे ही मौलाए मुत्तकियान अमीर उलमोमिनीन घर में तशरीफ़ लाते हैं, आप सलाम करती हैं, सलाम करके बच्चे भी सलाम करते हैं, और एक मर्तबा बच्चे सवाल करते हैं कि बाबा हमारे लिए क्या लाए, तो मेरे मौला कहते हैं कि मैं लाया तो बहुत कुछ था, लेकिन जैसे ही मैं मदीने के दरवाज़े पे पहुंचा तो तमाम फ़ुकराए मदीना और मिस्कीन मदीना जमा हो गए और कहने लगे मौला जो जंग में शामिल थे उनको तो उनका हिस्सा मिल गया, लेकिन हमारे लिए क्या है, हमारे लिए क्या लाए हैं? तो मौला कहते हैं कि फ़ातिमा मैंने वो तमाम का तमाम जो मेरे हिस्से में था सब मैंने फ़ुकराए मदीना में तकसीम कर दिया। तो बीवी, अब आप बीवी की मंजिलत देखिए, बीवी का मकाम देखिए और एक जौजा का किरदार देखिए, हर पहलू से हमें मैसेज मिलता है कि मेरी बीवी के माथे पे शिकन तक नहीं आई, बल्कि मेरी बीवी कहती है कि अली अगर मैं उस वक्त इतना खुश नहीं होती कि अगर आप तमाम की तमाम चीज़ें हमारे घर में हमारे लिए ले आते, जितना मैं अब खुश हूँ कि आप तमाम चीज़ें बांट कर आए हैं। और मैं चाहूँगी कि नरजिस, जहाँ से हमने अपनी हम गुफ्तगू कर रहे थे, हम वहीं से कंटिन्यू करें। जी अली भाई। जी बिल्कुल, मैंने एक जगह पढ़ा था कि मौला से किसी ने पूछा कि कोई हसरत है आपको, तो मौला ने फरमाया कि जितना मुझे इल्म था उतना किसी ने मुझसे पूछा नहीं, और जितना मैं सखी था उतना किसी ने मुझसे मांगा नहीं। तो मैं एक तरफ जब ये सुनता हूँ कि खाने में सिर्फ नमक और कोई साइल आ जाए, एक रोटी का टुकड़ा है, दूध का है तो उसमें से भी दूध लौटा दिया है कि ये, और एक तरफ इतना बुलंद व आला मर्तबा, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अपने बच्चों के साथ अपनी जो एक पूरी जो जो ख़ानदान है उसको क्या वसीयतें थीं, क्या बातें थीं, घर में कैसा बर्ताव था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो सबसे पहले ईमान लेकर आए उसका एक सफ़र अगर आप हमें थोड़ा सा बयान करें। जी ज़रूर। और मौला का सफ़र अगर आप देखें तो आपकी विलादत खाने काबा में हुई है, शहादत मस्जिद में हुई है, तशरीफ़ लाए हैं दुनिया में तो खाने काबा में हैं, जा रहे हैं दुनिया से तो मस्जिद कूफा में हैं, सजदे की हालत और सजदे की हालत में हैं, नमाज़ पढ़ रहे थे और आँखें खोली हैं तो रिसालत का चेहरा देखा है, सबसे पहले रिसालत की ज़ियारत की है, और जब तक रसूल तशरीफ़ नहीं लाए अली ने आँखें नहीं खोली। अब आप देखिए कि मौला का बचपन से ही देखिए तो दावत ज़ुलशीरा पे अगर हम निगाह डालें तो आप देखें कि 3 दिन दावत चलती रही है मगर कोई साथ देने वाला रिसालत का नहीं था। रसूल कहते रहे कि जो भी मेरा साथ देगा वो मेरा जानशीन, मेरा वसी, मेरा भाई होगा, मगर कोई भी खड़ा होने के लिए तैयार नहीं। 3 दिन मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन ने रिसालत की गवाही दी है, बैत की है रसूल के हाथ पे। और जब आप देखते हैं बचपन से और फतेह मक्का के बाद भी आप देखें कि दोषे नबूवत पे खड़े होकर खाना काबा के बुतों को तोड़ा है, तो जब लोग आके कहते थे कि ये हमारे खुदा हैं तो कहा तुम उनकी इबादत क्यों करते हो जो अपना दिफा नहीं कर सकते। और जब पूछा किसी से, मौला ने किसी ने पूछा कि मौला जब आप दोषे नबूवत पे थे तो कैसा महसूस कर रहे थे, तो मौला कहने लगे कि मैं ऐसा महसूस कर रहा था कि मैं चाहूँ तो आसमान को छू लूँ। तो ये मेरा मौला कायनात कदम कदम पे रसालत के साथ रहे हैं, कदम कदम पे रसालत का साथ दिया है, कभी रसालत को तन्हा नहीं छोड़ा। और यही वजह है कि आप देखिए कि हर मौके पे रसूल के साथ रहे हैं, चाहे वो जितनी भी जंगें हों, चाहे कोई भी मौका हो। सखावत की बात हो रही है, उनके बच्चों की तरबियत की बात हो रही है, तो आप देखें कि वो घराना है जो मिसाली ख़ानदान है, जहाँ से हमें मतलब इबादत देखनी है तो अली के घर की देखो, शुजात देखनी है तो अली के घर की देखो, सखावत देखनी है तो अली की घर की देखो, इबादत देखनी है तो अली के घर की देखो, इखलाक देखना है तो अली के घर का देखो, किरदार देखना है तो अली के घर का देखो, मार्फत देखनी है तो अली के घर का देखो, ईमान देखना है तो अली के घर का देखो। तो मुकम्मल वो अजीम हस्तियाँ के जिनके एक एक पहलू से हमें मैसेज मिलता है। बच्चों की तरबियत देखिए, आप वसीयत की बात की अली भाई ने कि जब आप मौला की उस ज़रूरत लगी और 3 दिन तक वो जहर आपके आपको अजियत देता रहा और तबीब आया है जब, और तबीब ने कहा कि इनको दूध पिलाया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप देखिए कि जब इमाम हसन ने दरवाज़ा खोला तो दरवाज़े पे घर के बाहर तमाम कूफे के यतीम बच्चे हाथों में दूध का प्याला लिए खड़े। तो आप देखिए ये वो अली इब्ने अबी तालिब है जो अपने बच्चों की तरबियत के साथ पूरे कूफे के यतीम बच्चों की तरबियत कर रहे हैं, पूरे यतीम बच्चों के बाप मौलाए कायनात को कहा जाता है। क्यों कहा कि आप यहाँ कैसे हैं, तो बच्चों ने कहा कि हमें अली रोज़ाना दूध पिलाया करते थे, आज हम अपने दूध का प्याला मौला के लिए लेके आए हैं ताकि मौला का ज़ख़म जल्दी से ठीक हो जाए। और यही वजह है कि जब मौला की शहादत हुई तो उसके बाद लोगों को पता चला कि वो जो रातों की तारीखी में चेहरे को ढाँप के हमारे घर में रिस्क दिया करते थे, खाना दिया करते थे, दूध दिया करते थे, वो अली इब्ने अबी तालिब थे।
और मौला की वसीयत थी इमाम हसन इमाम हुसैन को कि बेटा मेरे बाद यतीमों का ख्याल रखना, बेटा मेरे बाद अपने हमसायों का ख्याल रखना। देखिए हमसायों का कितना हक होता है। आज हमें नहीं पता हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है, हम नहीं जानते, हम गाफिल हैं, हम अपनी ज़िंदगियों में मगन हैं। आज हर इंसान खुदगर्ज़ है, अपनी ज़ात के बारे में हम सोचते हैं। लेकिन मौला क्या नसीहत कर रहे हैं बच्चों को कि बेटा देखो यतीमों का ख्याल रखना, बेटा हमसायों का ख्याल रखना, बेटा देखो अल्लाह के मामले में डरते रहना, तकवा अख्तियार करना, देखो कोई ऐसा अमल ना हो कि जिससे किसी को तकलीफ़ हो, जिससे खुदा नाराज़ हो। तो ये वो अजीम बाप है जो अपने बच्चों को नसीहतें कर रहे हैं। वो किरदार, वो इखलाक, वो आप देखिए ना कि जब मौला की ज़रूरत लगी है तो क्या जुमला कहा, फस्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम आज अली कामयाब हो गए। आज अली ने खैबर के मौके पे नहीं कहा, खंदक के मौके पे नहीं कहा, जितनी फतूहत हासिल की कभी मेरे मौला ने ये नहीं कहा कि आज अली कामयाब हो गए। मन कुन तो मौला का नारा लगाया रसूल खुदा ने, हाथों को बुलंद करके मैदान गदीर में कहा मन कुन तो मौला हो फहाजा अली उन मौला, जिस जिसका मैं मौला उस उसका अली मौला, लेकिन तब भी नहीं कहा आज अली कामयाब हो गए।